अभी मैं अपने स्लैब के ऊपर रखता हूँ। मुझे भी काफ़ी डर लग रहा है यार, क्योंकि ये इसके अंदर पूरे से पहले से वाइब्रेशन शुरू हो चुकी है। कितना अपने को इसका करंट कितना देना है? 1 2 3 ऐसे पॉइंट आएंगे तो 1 कर देता हूँ। ओह भाई, मेरा हाथ जो है। रुकिए रुकिए, अगर आप एक अच्छा मसाजर ढूंढ रहे हैं, अगर आप जिम वगैरह करते हैं और थक जाते हैं और काम करते हैं पूरे दिन कंप्यूटर पर काम करते हैं, थकने के बाद अगर आपको रिलैक्सेबल अच्छा मसाजर ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम दोस्तों एक ऐसे मसाजर का रिव्यू करेंगे जो कि अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये इंसानी शरीर के लिए ख़तरनाक है, इससे इंसान की मौत हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो सारी बातें आज अपन इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि वास्तव में इसको अपन को बाय करना चाहिए, लेना चाहिए, क्या ये इंसान के लिए खतरनाक है। तो दोस्तों सारी बातें जानने के लिए सबसे पहले तो अपन इस मिनी मसाजर को एक बार बाहर निकाल लेते हैं, कैसा आया है देखते हैं। और अभी मैं इसको निकालता हूँ बाहर, आप बने रहिए। और ये है अपना मिनी मसाजर, ये आ गया अपना मिनी मसाजर बाहर। तो ये कुछ इस टाइप से आया है, इसको अपन को असेंबल करना पड़ेगा। असेंबल कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और ये जो है इसको अपन को यहाँ से देखो, अभी आप देखोगे तो यहाँ पे देखो एक ग्लू लगा हुआ है इसके ऊपर, ये चिपचिप ऐसा ग्लू दिख रहा है ना, इसको पूरा अपने को धीरे से हटाना है। और ये देखिए मसाजर पूरा ओपन हो चुका है। और ये इसको बटरफ्लाई मसाजर, मिनी मसाजर के नाम से भी जानते हो और मार्केट में आपको भी पता है कि काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए इसको अपन को सबसे पहले क्या करना है, इसको सेटअप करना रहेगा। सेटअप करने के लिए आपको इसके पीछे देखिए 2 स्क्रू दिए हुए हैं, तो इन स्क्रू को अपने को क्या करना रहेगा, ये जो क्लिप दिख रहे हैं ना इसके अंदर इसको सेट करना है। तो सेट करने के लिए अपने को सबसे पहले इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, एक को इधर और एक को इधर, ठीक है। तो ये देखो पूरा बटरफ्लाई का शेप ले लिया है और ये बटरफ्लाई की तरह बन गया है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसके अंदर जो आप देखो सोलर पैनल जैसी ये दिख रही है पट्टियाँ, जो मेन जो है ये पट्टियाँ ही हैं, इसी के अंदर इसके अंदर करंट का जो फ्लो होता है उसके हिसाब से मसाज होती है। तो अभी मैं आपको साइड से बता देता हूँ, ये देखिए ये इस टाइप से आया है, ठीक है। और ये चार्जेबल है, अभी बॉक्स के अंदर और भी कुछ है ये भी निकाल लेते हैं। ये इसकी USB लीड है जो कि अपन मोबाइल वगैरह का जो चार्जर है उससे इसको चार्ज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, इसके ऊपर देखो आपको 3 बटन दिख रहे हैं, ठीक है, एम वाला, प्लस वाला और माइनस वाला। तो सबसे पहले इसको मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ये प्लस वाला बटन दबाते ही ये स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए अभी आपको लाइट इसकी ब्लिंक करती हुई दिख रही होगी, तो ये पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है। और अब इसका जो बीट है ना ये अपन को सेट करना रहेगा। इसके अंदर फंक्शन दिए हुए हैं, जैसे कि अपन इसको माइनस वाला बटन जो दबाएंगे ना, इसको यहाँ से ये बंद हो जाता है, सॉरी माइनस वाले से, तो प्लस वाले से ऑन होगा। और फिर ये बीच वाला है ना, इससे अपन देखिए मोड चेंज हो रहा है, मसाजर का है, एक्टिवेशन का है, ट्रेंस का है, ये कौन सा है, कंडेड का है, शेपिंग का है, ठीक है, एक्सटेंशन स्लैप, स्लैप मतलब कि एकदम अपने को हाथ को ऐसे जकड़ लेगा। तो सबसे पहले अपन दोस्तों ये ऑन तो हो गया है, और अब मैं इसको ट्राई करने के लिए पहले खुद पे ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि कहीं ये अपने को नुकसानदायक तो नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको एक्टिवेशन जो मोड है इसका मैं मोड कर लेता हूँ एक्टिवेशन, ये अच्छा रहेगा सबसे पहले, क्योंकि तो ये क्या होता है कि इसकी कुछ प्रिकॉशन भी मैं बताऊँगा वीडियो में, ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे लोग जो कि हार्ट के पेशेंट्स हैं वो इसको यूज़ नहीं कर सकते, और मैं बता दूंगा आगे क्या क्या इसमें आपको ध्यान रखना है। तो अभी मैं अपने स्लैब के ऊपर रखता हूँ, मुझे भी काफ़ी डर लग रहा है यार, क्योंकि ये इसके अंदर पूरे से पहले से वाइब्रेशन शुरू हो चुकी है। तो इसको क्या करना है अपने को, जैसे कि ये मेरा हैंड है तो यहाँ पे मैं अभी इसको सेट करता हूँ, ये अपने जिस जगह पे पेन होता है वहाँ पे सेट कर लेना है। और फिर इसको करना है यहाँ से ऑन, और देखिए अभी आप देखो यहाँ पे बीट वाला जो ऑप्शन है वहाँ ऑन हो गया है। अभी मैं इसको लेता हूँ नीचे मसाजर पे, और मसाजर पे लेने के बाद आपको क्या करना है, इसका कितना अपने को इसका करंट कितना देना है, 1 2 3 ऐसे पॉइंट आएंगे तो 1 कर देता हूँ। ओह भाई, मेरा हाथ जो है ना, ये आपको लग रहा होगा कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये जो है इसके मोड है ना उससे मेरा हाथ पे ये वाइब्रेशन आ रहा है, ये मैं खुद हिला नहीं रहा हूँ, ये खुद इसके हिसाब से हो रहा है। अभी आप देख रहे हो ना, जैसे अपना हृदय धड़कता ना वैसे मेरे हाथ पे ये फील कर रहा है अभी, ये देखिए। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब रिलैक्सेबल है, ऐसा कोई इतना भी हार्ड करंट नहीं है कि अपने को जैसे झटका लग जाए या अपनी डेथ हो जाए, ऐसा तो मुझे तो कोई फील नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप मसाज करना चाहते हो, जैसे अपनी नेक हो गई, गर्दन हो गया, ठीक है ना, और जैसे कि अपन कंप्यूटर पे डेस्क पे काम करते हो और जिन लोगों को ज़रूरत होती है, जिसके कहीं पे घुटने पे में दर्द होता है ना, तो वो भी इसको लगा सकता है, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स देता है यार ये,
ये बात तो तय है कि ऐसे लोग जो कि हार्ट के पेशेंट होते हैं ना, वो इसको यूज़ ना करें। और बच्चों जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको ये, उनके कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल उनके ऊपर ये ना ट्राई करें। बाकी ये बटरफ्लाई मसाजर काफ़ी बढ़िया है, अगर आप लेना चाहो तो ये आप ले सकते हो। अभी मेरा हाथ काफ़ी वाइब्रेशन हो रहा है, मैं इसको निकाल लेता हूँ एक बार। इसको निकालने के लिए एक बार इसको ऑफ करना है, ठीक है। तो ये मैंने बाहर निकाल लिया है, ये इस टाइप से आया, ठीक है। और इसके मोड वगैरह बढ़ाने के लिए आप प्लस माइनस का बटन है, इससे ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हो आपके सुविधा अनुसार। बस मैंने जो सेफ्टी बताई है, उन लोगों को ये यूज़ नहीं करना और बच्चों से दूर रखना है। बाकी इससे कोई दिक्कत है नहीं है, तो आप आराम से ये ले सकते हो। और बढ़िया क्वालिटी का है, और इसमें कुछ हल्की क्वालिटी वाली आते हैं तो वो ना लें। ये मैंने मंगवाया फ्लिपकार्ट से, 499 का मिनी मसाजर है ये वाला, ठीक है ना। तो आपको ये लेना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके सीधा ये बाई कर लीजिए 499 में। और अगर आपके जिम वगैरह करते हैं और थकान वगैरह होती है तो ये आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें देखिए, इसमें कुछ लिखा भी हुआ है, इंस्ट्रक्शन वगैरह भी दिए हुए हैं, तो ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। स्मार्ट चेप, ऑटो टाइमर वगैरह है, 8 डिफरेंट मोड है, वो मैंने आपको बता दिया था कौन कौन से मोड है इसमें। 8 टाइप का अलग अलग मोड इसमें आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारे इसमें फीचर्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो वगैरह तो देखते हो, लेकिन साथ साथ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और ऐसे वीडियो लेके आऊँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत दोस्तों।